वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के कारण पूरे देश में लॉकडाउन की स्थिति बनी है, लेकिन लॉकडाउन के कुछ दिन बाद से चोरों का खौफ बढ़ने लगा है। चोर रात के समय चोरी करने के उद्देश्य से घर में जाते हैं और वह कुछ भी कर गुजरने से नहीं घबराते। ऐसा ही मामला रीवा जिले के हनमना थाना क्षेत्र अंतर्गत बिरहा कन्हाई गाँव का है, जहाँ पर लक्ष्मीकांत मिश्रा के दुकान में बीती रात करीब 11 बजे चोरों ने ढाबा बोल दिया, जिसकी भनक जब घर वालों को हुई तो उन्होंने चोरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चोर चोरी करने में इतने मस्त थे कि उन्हें किसी की परवाह नहीं थी और उनका विरोध करने पर चोरों ने घर वालों के ऊपर हमला कर दिया, जिसमें से कि प्रिंस मिश्रा पिता लक्ष्मीकांत मिश्रा उम्र 20 वर्ष निवासी बिरहा कन्हाई थाना हनमना गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हनमना लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल रीवा संजय गांधी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, जिसकी जानकारी हनमना थाने में पीड़ितों के द्वारा दर्ज करा दी गई है। अब देखना यह है कि आखिर हनमना पुलिस चोरों पर शिकंजा कस पाती है या फिर चोर बेखौफ होकर घूमते रहेंगे। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। प्रिंस मिश्रा है, मैं बिरहा कन्हई से हूँ। कल रात 11 बजे हमारे घर में चोर घुसे और जब घुसे तो मुझे आवाज़ आई ताला टूटने की, तो मैं बाहर निकला तो बाहर देखा कि शिवेश मिश्रा और प्रवेश मिश्रा पकड़े गए। हम उनको दोनों को पकड़े, तो जब शिवेश मिश्रा को पकड़े तो प्रवेश मिश्रा पीछे से हमें मार दिए राग। इतने में मेरे मम्मी पापा भैया सब लोग जाग गए और सबको पकड़ लिए और मैं उसी समय बेहोश हो गया और उसके बाद तुरंत हनमना थाना गया। वहाँ पर गया तो दवाई के लिए भेज दिए हनमना हॉस्पिटल में। उसके बाद अगली कार्रवाई जो है वो हो नहीं रही है। अब इसके लिए अभी रीवा में भेज दिया गया है मुझे और यहाँ इलाज करवा लिए हैं। अरे मैं आपका दिवाकर मिश्रा, कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम बिरहा कन्हई पोस्ट बिझावली तहसील हनुमान जिला रीवा मधुपुरी। क्या घटना हुई आपके साथ? हमारे घर में आज रात शाम को 11 बजे तीन चोर थे, जो उन्होंने हमारे दुकान का, ये देखिए दुकान है, दुकान तोड़ी, दुकान का ताला तोड़ा। हम लोग अंदर सो रहे थे, मेरा छोटा भाई यहीं सामने वाले रूम में सो रहा था। उसके जब ताला टूटने की आवाज़ आई तो हमारा छोटा भाई वहां से उठा और एक चोर बाहर था, एक चोर अंदर था, एक वहां बाहर और खड़ा था। पहला जो वहाँ अंदर था पैसा निकाला, 20,000 रुपये काउंटर में पैसा रखा था, तो 20,000 रुपये पैसा निकाला। उसके बाद जो यहाँ था तो उसको पकड़ लिया गया। जब पकड़ लिया गया तो जो अंदर वाला था तो राड, ये राड रखा हुआ है, इसी राड से वो हमारे भाई के, छोटे भाई प्रिंस मिश्रा नाम है, उसको सिर में मार दिए, सिर फट गया, अलग हो गया। वो जब यहाँ गिरा को हाथ पड़ी, मतलब आवाज़ दिया तो हम लोग आए। जब उससे वो पकड़ा था, लपटा था, उसको जब पकड़ा था तब हम लोग आ गए, उसको पकड़े, उसकी पहचान कर लिए। उन तीनों आरोपी का नाम है, एक का प्रवेश मिश्रा उर्फ अमित मिश्रा, सन ऑफ महेंद्र प्रसाद मिश्रा, दूसरे का नाम है शिवेश मिश्रा उर्फ ललई मिश्रा, सन ऑफ महेंद्र प्रसाद मिश्रा, और तीसरे आरोपी के उन्हीं के पिताजी थे, महेंद्र प्रसाद मिश्रा नाम है, जो जिन्होंने हमारे घर में चोरी की और मार की, प्रयास ये था कि इनको मार दो, हत्या हो जाए। अब आप शासन प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि शासन इनके ऊपर उचित कार्रवाई करे, क्यों ये रात में सोते वक्त डकैती डाले हैं, डकैती डालने के बाद आक्रमण किए हैं, आक्रमण करने के बाद कोई आदमी ख़त्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता, तो उसके जिम्मेदार कौन होता है?